हेलो एंड वेलकम बैक टू अंदर माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग भी अपने फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान ऑर्डर किए हो और आपके घर तक रिसीव हो चुका है, आप लोग पेमेंट वगैरह सारी चेक कर दिए हो और वो आपका सामान आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसे कैसे इजीली तरीके से रिटर्न कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग कोई भी ऑर्डर करते हो सामान, तो वहाँ पर एक हफ्ते का 10 दिन का वहाँ पर रिफंड पॉलिसी होता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप लोग ऑनलाइन मंगा लिए हो और वो एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, 2 हफ्ते से ज़्यादा, तब वहाँ पर वो रिटर्न नहीं होगा। तो आप लोग करना क्या पड़ेगा, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जो भी ऑर्डर यहाँ पर रिटर्न करना है आप लोग क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ था, तो इस ऑर्डर को मुझे रिटर्न करना है। तो आप लोग यहाँ पर पॉलिसी देख लीजिएगा, मेरी रिटर्न पॉलिसी वैलिडिटी यहाँ पर 2 दिसंबर तक है, तो इसे आप लोग वापस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस पर रिटर्न पर क्लिक करते हैं और इसे यहाँ से हम लोग वापस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग अगर डैमेज हो आपका प्रोडक्ट, आपको पसंद नहीं आ रहा है, मिसिंग है कुछ, या आप प्रोडक्ट को साइज़ नहीं फिट हो रहा है, तो आप लोग कोई भी यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन देता हूँ और वांट टू यहाँ पर मोर डिटेल डोंट वांट टू प्रोडक्ट एनी मोर आइटम अवेलेबल एट लोअर प्राइस, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परफेक्ट साइज नॉट करेक्ट। मैं इतना लिखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर रिफंड का प्रोसेस आ जाएगा, मतलब जो आप लोग पैसा कटाए हैं उस पैसों को आप लोग कैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, UPI के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट के थ्रू लेते हैं। तो बैंक अकाउंट पर आप सभी को क्लिक कर देना पड़ेगा। यदि आपने पहले से बैंक अकाउंट ऐड किया है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड करने के लिए आप सभी को करना क्या पड़ेगा, ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को सारे चीज़ें डिटेल भरनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर IFSC कोड आपको अपने बैंक का डाल देना पड़ेगा, उसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना पड़ेगा, फिर से अकाउंट नंबर एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा, उसके बाद होल्डर अकाउंट नेम, यहाँ मतलब आपके पासबुक में क्या नाम है वो डाल दीजिएगा, उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर लिया था, तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर लेता। तो फ्रेंड्स, यहाँ बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग करना क्या पड़ेगा, आप लोग अपना मोबाइल नंबर ये जिस एड्रेस पे आप लोग चेंज करना चाहते हो, मतलब कि आप लोग अपना प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो, अगर आप जैसे बाहर चले गए हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपके साथ है वहाँ आपका एड्रेस डाल के चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जहाँ घर पर है अगर वो वही एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर चेंज एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो यही एड्रेस रहने दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिटर्न सक्सेसफुल इंटीलिटेड लिख दिया है और आप लोग यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है, रिटर्न अप्रूव्ड आप सभी लोग देख सकते हैं। अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन होशो हो रहा है, तो चाहे तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और यहाँ पर नीड हेल्प दिया गया है, आप लोग कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग किसी भी सामान को ऑर्डर कर लिए हैं और वो आपके घर तक पहुँच गया है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।